के दिन जो है वो क्या है, आप सब लोग बोलते हैं ना भैया दूज है, तो ब्रज में भी भैया दूज मनाते हैं बहुत प्रेम से। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के दिन जो है वो यमराज जी अपनी बहन यमी से मिलने के लिए ब्रज में गए थे। क्योंकि कहाँ से बहती हैं यमुना जी, कहाँ से बहती हैं बताओ? यमुना जी तो वृंदावन से ही बहती हैं, और गंगा जी में जो स्नान करने के बाद फल प्राप्त होता है, 100 दफे गंगा जी में जो स्नान करके जो फल प्राप्त होता है बता रखा है, वो यमुना जी का दर्शन करने मात्र से हो जाता है। हरि बोल। क्योंकि जिसमें साक्षात भगवान खेले हैं, जिसमें साक्षात गऊओं को चराए, स्नान किए, पूरे के पूरे ठाकुर जी गंगा जी चरणों की धोवन है, चरणों से निकली हैं, और यमुना जी में तो पूरे के पूरे नहला रहे हैं। आप सोचिए, तो यमुना जी जो है वो पटरानी है, यमुना महारानी। कभी कभी गंगा मैया यमुना मैया बोलते हैं ना, तो ब्रज के जो रसिक भक्त हैं वो मैया न बोल करके क्या बोलते हैं, यमुना महारानी, गंगा महारानी, क्योंकि महारानी है, पटरानी है, ठीक है कि नहीं जी। और वो प्रेम देने वाली है, कृष्ण प्रेमिका। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है आज के दिन, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यानी कि प्राचीन कथा के अनुसार यमी यानी कि यमुना जी जो कि यमराज जी की बहन है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आज के दिन एक बार जब यमराज यमुना जी से यानी कि अपनी बहन यमी से मिलने के लिए आए, तो बहन ने बहुत ही उनका सत्कार किया, और बहन के सत्कार से आवा भगत से और इतने प्रेम को देख करके, क्योंकि ब्रजवासी सब बड़े प्रेमी हैं भाई, तो यमुना जी भी कृष्ण प्रेम से लदी हैं, और जो प्रेम से भरा होगा ना वही प्रेम दे सकता है। और फिर उनका भाई आए हैं, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए तो कैसा सत्कार होगा। बहन के सत्कार से यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए, और यम ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, इस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना जी में स्नान करेंगे तो उन्हें यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा। जो आज के दिन यमुना में स्नान करता है, ठीक है कि नहीं, विशेषकर भाई बहन मिल करके, तो उनको फिर यमराज जी के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। इसी कारण इस दिन यमुना नदी में भाई बहन एक साथ स्नान करके बड़े ही भाव से स्नान करते हैं, और इसका बड़ा महत्व है। तो आज के दिन जब आप विश्राम घाट पे जाएंगे, किसी घाट विश्राम घाट पे ना, जहाँ पर यमुना जी के दर्शन होते हैं, बीच में इतनी भीड़ होगी वहाँ पर आज के दिन पूछो मत, सवेरे से रात तक।